अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में आवाम के एक जमे गफीर से खिताब करते हुए पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीरे मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते के अमन की खातिर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तालुकात का ख्वाहां है। वज़ीरे दिफा ने अमर बिल मारूफ जलसायाम से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म है और मुल्क दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल की निगरानी के लिए आइंदा माह की 4 तारीख तक एक कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। वजीर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने हमजहती ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इंडोनेशिया के नायब वजीर खारजा ने इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन मुल्कों के इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मंडियों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के कायम पर जोर दिया है। पंजाब काबीना ने आवाम को सहूलत की फराहमी के लिए 8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दी है। अजीम मुसलह और माहिर तालीम सर सैयद अहमद खान की आज 124वीं बरसी मनाई गई। भारत के बदनाम जमाना कौमी तहकीकाती इदारे NIA ने आज भारत की जेल में नजरबंद इंसानी हकूक के मारूफ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज की रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं। अक्वामे मुत्तहदा ने यमन के मुतहारिब धड़ों पर जोर दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और वहां तनाजे के खात्मे के लिए इसके खसूसी नुमाइंदे के साथ तामीरी बातचीत करें। और अबूधाबी में जूडो इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन 7 साला मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी अनाया नवीद डार ने सोने का तमगा जीत लिया है। सामीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त सुनवाते हैं। तो हमेशा उन्होंने मुझे एक बात याद करवाई, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। मेरे पाकिस्तान के रहने वाले, अगर आपने इस चीज को समझना है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें क्यों वो अपने मुल्क के लिए तरसते हैं, क्यों वो आज सारे तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि जब वो बाहर किसी पराए मुल्क में रोजी कमाने जाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा कदर होती है कि अपने मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक आजाद मुल्क में रहना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो मैं जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी 25 साल पहले तो मैंने अपना नस्ब लैन अपनी जमात का नौजवानों इया कना बदो या कनस्ताइन क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसे से खिताब कर रहे थे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को हजरत मोहम्मद खातिमुन्नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानिब से कायम करदा रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने का अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में तहरीकी इंसाफ के अमर बिल मारूफ जलसयाम से खिताब करते हुए कहा कि बदउनवान अफराद ने 30 साल तक कौमी दौलत को लूटा और अब वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो बासर अफराद को बचाकर कानून की बालादस्ती पर
कोई समझौता नहीं करेंगे। यही वजह है कि बदउनवान अफराद को कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। 30 साल से ये मिलके इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, इनकी अरबों अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं, और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। तो ये तैयार हो जाए, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने बैरून अक़वामी सतह पर सेहत यामा का प्रोग्राम जारी किया है। एहसास प्रोग्राम के तहत भारी रकूम मुख्तस की गई हैं और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े फराहम किए हैं। जब सारी दुनिया बंद की गई, मेरे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मैंने जब अपने मुल्क को बंद नहीं किया, मुझे तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये इमरान तबाह कर रहा है पाकिस्तान को, सिंध की हुकूमत उन्होंने बंद कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस था दुनिया का, मैं आज फखर से अपनी कौम के सामने खड़ा हूँ और सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान ने कदम उठाए, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि अपनी कौम को भी बचाया, कोरोना से बचाया, अपनी मायशत को बचाया, अपने गरीबों को बचाया। इमरान खान ने कहा कि महसूलात की वसूली में इजाफे की वजह से हुकूमत 2.5 अरब रुपए की आयनत की फराहमी और पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतों में कमी की गई है। इससे पहले रैली जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं और वो मुल्क दुश्मनों के सामने नहीं झुकेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए समंदरी उमूर के वजीर अली ज़ैदी ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने पर हिज़्ब इख़्तिलाफ़ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद ने कहा कि पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है क्योंकि आवाम अपोजिशन जमातों की जानिब से अरकान की खरीद फरोख्त को मुस्तरद करते हैं। बैन-उस-सूबाई राबते की वजीर और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि इत्तेहाद ने वजीर आजम इमरान खान की हिमायत की और उसूलों की बुनियाद पर हुकूमत में शामिल हुआ। उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि यह जमहूरियत के लिए तबाहकुन है। उन्होंने जराए अबलाग पर जोर दिया कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाकामी को बेनकाब करे, जिसकी वजह से सूबे के अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद खान ने कहा कि इमरान खान अदम एतमाद के मरहले से कामयाबी से सुरखुरू होंगे और चोरों के गिरोह को कौमी असम्बली में नाकामी का सामना होगा। मौसमियाती तब्दीली के वजीर ममलकत जरताज गुल ने कहा कि खवातीन इमरान खान की खुद मुख्तारी की पॉलिसी, तनाज़े कश्मीर और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को बैन अल-अक़वामी फोरमों पर उजागर करने की वजह से उनकी हिमायत जारी रखेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर बन गए हैं और वो इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इसकी फ़ाल क़यादत पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम इमरान खान लुटेरों को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज के जलसे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात की अक्कास है कि लोगों को वजीर आजम की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद है। वजीर खारजा ने कहा कि कौम जाग चुकी है और अच्छाई की हिमायत और बुराई की मुखालफत करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं ताकि लोग खुद मुख्तारी से फैसले कर सकें। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तुवार करना चाहता है, लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनेगा। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ कामयाबी के साथ उठाई। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपनी तकरीर में हिज़्ब इख़्तिलाफ़ को चोरों और लुटेरों का गिरोह करार दिया और कहा कि वो वजीर आज़म इमरान खान को मुल्क को आगे ले जाने से रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगे। इत्तला तो नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ को साजिशों से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे आवाम पर पुख्ता एतमाद है। उन्होंने कहा कि कौम इमरान खान के मुल्क में इनकलाब लाने के वादे पर उनके साथ खड़ी है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि लोटों को इमरान खान से गद्दारी करने पर अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।
इत्तला तो नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने एक ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ के अमर बिलमारूफ के अवामी जलसे को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है और इसकी कवरेज के लिए तमाम पाकिस्तानी जराए अबलाग के अलावा बैन अल-कौमी मीडिया के 43 नुमाइंदे भी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। एक और ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने जलसे की भरपूर कवरेज करने पर जराए अबलाग का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तला'आत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी अपील की कि वो ज़राए अबलाग के नुमाइंदों और रिपोर्टरों को सहूलत फ्राहम करें। वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ारत दाखला ने आइंदा माह की 4 तारीख तक वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल की निगरानी के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमांड एंड कंट्रोल रूम शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे फाल रहेगा। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि इस सूरत हाल में दारुल हुकूमत में कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम फेक की रैली के शुरगा से कहा कि वो श्रीनगर हाईवे को बंद करने की कोशिश न करें वरना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं JUI से खसूसी तौर पर यह कहना चाहता हूं कि श्रीनगर हाईवे को खुला रखा जाए। जो इलाका आपका है वो रहें, आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये टाइम ये जगह 28 तारीख को नून लीग ने दी है, बड़े शौक से वो नून लीग जलसा करे। और अगर आपका मकसद कोई इंतशार खलफशार या हंगामा राई करना है या लोगों के रास्ता रोकना है इमरान खान के जुलूसों का, ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ बैठे। शेख रशीद ने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जा सकता है 0516-9206660 और 0516-9218594। मजमूई सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हिस्ब इख्तलाफ के किसी भी इकदाम को शिकस्त देंगे। शेख रशीद ने कहा कि हिस्ब इख्तलाफ के गैर संजीदा रवैये से वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो गया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें तेज तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इजहार का फन जरूरी है। आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कौम की तामीर में ख्वातीन की फ़ाल शमूलियत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। सदर ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए इजहार की मौसर सलाहियत वक्त की अहम जरूरत है। ख्वातीन की हैसियत के बारे में कौमी कमीशन की चेयरपर्सन नीलुफर बख्तियार ने माशरे में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म जाहिर किया है। APP से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये मनसूबे कमीशन के लिए ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक मौजूआती शोबों से निपटने में औरतों की नुमाइंदगी अवामी और समाजी दायराकार में ख्वातीन को बाख्तियार तरीके से शामिल करने का बुनियादी ढांचा और रास्ता तश्कील देते हैं। चेयरपर्सन ने कहा कि कमीशन का किरदार इल्म फैलाने और ख्वातीन दोस्त कानून साजी में मुअसर होगा। पंजाब काबीना ने अवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए से जायद के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने आज एक बयान में कहा कि रमज़ान बाजारों में 10 किलोग्राम आटा रियायती कीमतों पर दस्तियाब होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम को रियायती कीमत पर आटे की फ्राहमी के लिए 4 अरब रुपए से ज्यादा एयानत फ्राहम करेगा, जबकि रमज़ान बाजारों में मजीद 13 अशिया भी रियायती कीमतों पर दस्तियाब होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब भर में 300 से ज्यादा रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपी यूनियन के साथ कसीर जहती ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वो पाकिस्तान में यूरोपी यूनियन के सफीर एंड्रोला कमिनारा से बातें कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वजीर खारजा ने इस अज़म को दोहराया कि अपनी इक्तसादी तरजीहात में पाकिस्तान यूरोपी तरजीहात के साथ अपनी तजवीराती शराकत दारी के तहत मुश्तरका मनसूबों के अगले मरहले पर जल्द अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा तालुकात की मजबूती में यूरोपी यूनियन के सफीर के किरदार को सराहा। मुलाकात के दौरान दो तरफा इक्तसादी तावुन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे बहस आए। इंडोनेशिया के नायब वजीर खारजा अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की बड़ी तजारती मंडियों के दरमियान इक्तसादी तालुकात इस्लामी तावुन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी राबितों में अहम किरदार अदा करेंगे। APP से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की 50 करोड़ अफराद की मंडी के बायस मजबूत इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं ताकि तजारती हजम में इजाफा हो सके।
انڈونیشیا کے وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تجارت کا حجم 3.9 ارب ڈالر ہے، جس میں مستقبل قریب میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ انڈونیشیا آسیان ملکوں کی مارکیٹ میں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں پاکستان کو مواقع فراہم کر سکتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ چین نے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں مواقع تلاش کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس دلچسپی کا اظہار چین کے ممتاز ادارے چائنا آئل اور خوراک آپریشن کے صدر نے چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سفیر معین الحق نے کہا کہ پاکستان غلے اور زرعی اجناس کو کثیر مقدار میں پیدا کرنے والا نمایاں ملک ہے، جو کہ چین میں منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برآمد کی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کی تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عظیم رہنما، دانشور، فلسفی، شاعر اور ماہر تعلیم سر سید احمد خان کی آج 124ویں برسی منائی گئی۔ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہونے والے سر سید احمد خان دو قومی نظریے کے بانی کے حوالے سے مشہور ہیں اور علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بانیان پاکستان میں شامل ہیں۔ وہ علی گڑھ تحریک کے بھی بانی ہیں، جو تحریک پاکستان کی بنیاد ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، دا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے بھارت کے شہر علی گڑھ میں 1998 میں آج ہی کے روز وفات پائی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے آج بھارت کی جیل میں نظر بند انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن خرم پرویز کی رہائش کا سمیت متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیراملٹری سینٹر، ریزرو پولیس فورس اور پولیس کی مدد سے این آئی اے کے اہلکاروں نے سری نگر کے علاقے سوناوار میں انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا۔ سری نگر میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے کوآرڈینیٹر خرم پرویز کو این آئی اے نے گزشتہ سال 22 نومبر کو بے گناہ کشمیریوں پر قابض بھارتی فورسز کے مظالم کو دستاویزی شکل دینے پر گرفتار کیا تھا۔ ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے اور تعزیرات ہند کے تحت جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ادھر انسانی حقوق کے معروف کارکن اور وکیل جلیل اندرابی کی شہادت کو 26 سال گزر جانے کے باوجود ان کے اہل خانہ کو انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ جلیل اندرابی کو بھارتی فوج کی میجر اتار سنگھ نے 8 مارچ 1996 کو گرفتار کیا تھا اور 3 ہفتے بعد 26 سال قبل آج ہی کے دن ان کی لاش دریائے جہلم میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی کارکنوں نے طالبان کی جانب سے 1 ہفتے کے اندر لڑکیوں کے گرلز سیکنڈری اسکول دوبارہ نہ کھولنے کی صورت میں سارے افغانستان میں احتجاج شروع کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کارکن حلیمہ ناصری نے خواتین کے حقوق کے 4 گروپوں کی جانب سے کابل میں ایک پریس کانفرنس کے موقع پر افغانستان کے رہنماؤں پر زور دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر 1 ہفتے کے بعد بھی لڑکیوں کے اسکول بند رہے تو ہم خود انہیں کھول دیں گے اور اپنے مطالبات پورے ہونے تک ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے یمن میں حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے زیر کمان اتحادی افواج کے درمیان جاری عسکری کشیدگی کی پرزور مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈیجرک نے ایک بیان میں کہا کہ انتونیو گوترس یمن میں جاری کشیدگی اور سعودی عرب اور صنعاء میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈیجرک نے کہا کہ یمن میں کیے گئے فضائی حملے میں صنعاء میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں کی رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور اس کا ہدف یمنی آبادی کو انسانی امداد مہیا کرنے والی بندرگاہ حدیدہ تھی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے یمن میں متحارب فریقوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، فوری طور پر لڑائی بند کریں، دشمنی ختم کریں اور یمن میں تنازع اور تشدد کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں سے مل کر تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ روس سمیت کسی بھی ملک میں حکومت تبدیل کرانے کا کوئی منصوبہ رکھتا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کے 1 دن بعد آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ولادیمیر پوٹن کو اقتدار میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ روسی صدر پوٹن کو یوکرین کے خلاف جنگ سے روکنا چاہیے۔ ادھر روسی صدارتی ترجمان نے امریکی صدر بائیڈن کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپنے رہنما کے انتخاب آپ کا فیصلہ روسی عوام نے کرنا ہے۔
قطر نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دوحہ فورم میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ بات چیت خطے میں سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کر کے عالمی سلامتی قائم رکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر رات 9:10 پر پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں تو زندہ تو ہم زندہ سیریز کے تحت ریڈیو ڈرامہ نشر کر رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سات سالہ انایا نوید ڈار آج ابوظہبی میں جوڈو کے بین الاقوامی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت کر پاکستان کی کم عمر ترین مکسڈ مارشل آرٹ کی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انایا نوید ڈار نے اپنے حریفوں روس کی لطیفہ اور متحدہ عرب امارات کی شمسہ کو 28 کلو گرام سے کم وزن کیٹیگری میں ہرا کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پنجاب کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر رائے تیمور خان بھٹی نے آج ایک ٹویٹ میں اس غیر معمولی کارکردگی پر انایا نوید ڈار کو مبارکباد دی۔ ادھر آج ایک اور بیان میں پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی نے دبئی میں باکسنگ کے ایک مقابلے میں اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کرنے پر باکسر عثمان وزیر کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان وزیر نے دلیری کے ساتھ اپنے اعزاز کا دفاع کیا جس پر پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے۔ لاہور میں پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کا پہلا میچ منگل کو کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ جمعرات جبکہ تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ 5 اپریل کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 1-0 سے جیت رکھی ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں آج 2 میچ کھیلے گئے۔ ویلنگٹن میں پہلے میچ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 234 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 48 اوورز میں صرف 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کرائسٹ چرچ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 274 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر ہدف پورا کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل بدھ کو ویلنگٹن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جبکہ دوسرا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان جمعرات کو کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 3 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے بورڈ پاکستان کی کھیلوں اور شکار کے ہتھیاروں کی ترقی کی کمپنی کے اشتراک سے ہتھیاروں کے فروغ کے لیے نمائش کا انعقاد کرے گی۔ ٹارگٹ آؤٹ ڈور شوٹنگ شو کے عنوان سے منعقد کی جانے والی 3 روزہ نمائش 10 سے 12 جون تک اسلام آباد پاک چائنا فرینڈشپ میں سینٹر میں ہوگی۔ یہ نمائش خیبر پختونخوا کے چھوٹے ہتھیار بنانے والی مقامی کاروباری افراد کو اپنی مصنوعات کو قومی سطح پر رونمائی کا موقع فراہم کرے گی۔ مختلف ممالک کے نمائندوں کو نمائش میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 2021-22 کے پہلے 9 ماہ میں نجی قرضوں کی فراہمی 912 ارب روپے رہی۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ رواں مالی سال 2021-22 کے پہلے 9 ماہ میں نجی قرضوں کی فراہمی 911 ارب روپے رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران 357 ارب روپے تھی۔ یہ اضافہ بھرپور اقتصادی سرگرمیوں کا اشارہ کرتا ہے۔ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو 291 ارب روپے ادا کیے، جس سے نجی شعبے کے لیے مواقع پیدا ہوئے۔ ادھر وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ملک میں رواں سال چینی کی پیداوار 75 لاکھ ٹن ہوگی، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں چینی کی پیداوار میں 20 لاکھ ٹن اضافے کا امکان ہے۔ اس وقت ملک میں چینی کی ایکس مل قیمت 81 روپے کلو، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ پاکستان کے اعلی قومی ماہرین اور معروف کاروباری شخصیات پر مشتمل تھنک ٹینک نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری کو مزید بڑھانے اور سہفری کی تجارت کے فروغ اور افغانستان کے راستے وسطی ایشیا کے ساتھ روابط بڑھانے کی فوری اہمیت پر زور دیا ہے۔ اتوار کو لاہور چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر مہر کاشف یونس کے زیر اہتمام دنیا کے 7 تجارتی تعلقات کا فروغ کے موضوع پر ورکشاپ کی صدارت کرتے ہوئے صدر ساگ چیمبر اور بانی چیئرمین پاک یو ایس بزنس کونسل افتخار علی ملک نے امریکہ اور یورپی یونین کے نجی شعبے پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی خطے کے ساتھ روابط استوار کرنے کے لیے پاکستان کو مالی معاونت فراہم کریں۔
पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल ने फर्नीचर साजों पर जोर दिया है कि वो मुनफरद बेहतर डिजाइनिंग और बैन अवी मैार की फिनिशिंग पर तवज्जो दें ताकि चीनी फर्नीचर का मुकाबला करने के साथ साथ बरामदात के लिए इलाकाई और आलमी मंडियों में जगह बनाई जा सके। इतवार को बैरिस्टर सादिया आलम भट्ट की क्यादत में खवातीन ताजरों के वफ से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PFC मियाँ काशिफ इशफाक ने कहा कि पाकिस्तान के लकड़ी के फर्नीचर्स के बड़े खरीदार बरतानिया, अमरीका, श्रीलंका और खलीजी ममालिक बशमूल मुतहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका ज्यादातर बेडरूम फर्नीचर खरीदता है। तजारती खबरें आपने सुनी और अब कुछ खबरें फन की दुनिया से। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की दो रोजा ड्रामा वर्कशॉप आज खत्म हो गई। APP के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद नौजवान नस्ल की मवासलात की ताकत के इस्तेमाल की तरफ हौसला अफजाई करना और थिएटर को इजहार के एक मजबूत आले के तौर पर अपनाना है। मारूफ फनकार रुबीना कुरैशी, हुमैरा मलिक और डॉक्टर उमर सुल्तान भी वर्कशॉप में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के इकदाम को सराहा और इल्म और खुद में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों के हुसूल की अहमियत पर रोशनी डाली। लोक विरसा आइंदा हफ्ते खवातीन ताजरों के लिए खवातीन लोक फनकारों पर मुश्तमिल एक खसूसी प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान करेगा, जिसका मकसद खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां वो अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। APP से बातें करते हुए लोक विरसा के एक अहदेदार अनवारुल हक ने कहा कि लोक विरसा ने तारीखी तनव, खसूसन शानदार विरसे और पसमानदा और नज़रअंदाज किए गए इलाकों के लोक फनकारों के फरोग के लिए कई इकदाम किए हैं। ये तो थी फन की खबरें और अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। नासा ने दूसरी इंसानी खलाई गाड़ी तैयार करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। इंसानी कमरी लैंडर स्पेस शटल की तरह होता है, जिसमें इंसान बैठकर चांद पर उतर सकता है। इंसान को चांद पर दोबारा भेजने के लिए नासा की ये दूसरी बड़ी खलाई परवास होगी। शटल की तामीर के लिए एजेंसी तजारती खलाई कंपनी से ऐसे शटल के लिए तसव्वुरात तजवीज़ करने का मुतालबा कर रही है जो लोगों को चांद के मदार और चांद की सतह तक ले जा सकें। कुतबेन को ज़मीन के पेंदे भी कहा जाता है और अब बदलते हुए मौसम के सबब वहाँ पहली बार हरारत की खौफनाक लहर देखी गई है, यानी आर्कटिक का दर्जा हरारत मामूल से 30 दर्जे और अंटार्कटिक पर 40 दर्जे सेंटीग्रेड से जायद नोट किया गया है, जिसे माहरीन ने शदीद तशवीशनाक करार दिया है। और मसूई मिठास में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए उन्हें अक्सर खाने और मशरूबात में इस ख्याल से शामिल किया जाता है कि वो वज़न कम करने में मददगार साबित होंगी। इनका इस्तेमाल टूथपेस्ट, टॉफियों और च्युइंगम में भी किया जाता है ताकि दांतों की खराबी से बचा जा सके। लोगों का आमतौर पर ख्याल है कि मसूई मिठास के इस्तेमाल से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, जबकि 1,00,000 से जायद फ्रांसीसी बालगों पर किए गए एक मुताले से यह पता चलता है कि हकीकत में ये मसूई मिठास हमारे लिए इतनी मुफीद नहीं जितना हम समझते हैं। साइंस की दुनिया से खबरें आपने जानी और अब मुल्क भर में मौसम का अहवाल। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध और जनूबी वस्ती पंजाब में मौसम गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा गर्मी शहीद बेनजीराबाद में पड़ी, जहां का दर्ज हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए दर्ज हरारत जे रहे। इस्लामाबाद, पिशावर और मुजफ्फराबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 37, कराची 41, कोयटा 29, गिलगित 28, मरी 25, श्रीनगर 25, जम्मू 37 और लेह 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में अवाम के एक जमे गफीर से खिताब करते हुए पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के आज़म का इज़हार किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते के अमन की खातिर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां है। और वज़ीर दिफा ने आमर बिल मारूफ जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म है और मुल्क दुश्मनों के आगे कभी नहीं झुकेगी। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोभा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क इमरान लतीफ, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें फरीहा हसन,
مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں ظفر اقبال، کوارڈینیشن ایڈیٹر کمل شمیم، مدیر اعلیٰ غلام مجتبی میمن، نگران اعلیٰ عبد الرؤف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔